हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। कई बार हमें ऐसी लव स्टोरीज देखने के लिए मिलती हैं जिसमें फिल्म के किरदार को इतना दर्द झेलना पड़ता है कि वो चाहते हुए भी उस चीज को बयान नहीं कर सकता, और खास करके जब फिल्म दो इंसानों पर ना होकर दो प्रजातियों पर बनी हो तो फिल्म को देखने का मजा दुगना हो जाता है। और ऐसी ही है आज की यह फिल्म जिसका नाम है अ मरमेड इन पेरिस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे वो दरअसल एक फ्रेंच मूवी है, और आप सभी को ये पता ही होगा कि जब भी लव स्टोरीज पे बेस्ड फिल्मों की बात आती है तो हर क्रिटिक्स ने ये माना है कि लव स्टोरीज पे बेस्ड सबसे अच्छी फिल्में फ्रेंच में ही बनती है। और इस फिल्म में साइंस फिक्शन के साथ लव स्टोरी का जबरदस्त तड़का भी है, तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और उस बटन को क्लिक करते ही जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर ले ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत गैस्पर्ड नाम के इस व्यक्ति से होती है जिसका एक सिंगिंग बैंड है और समंदर के किनारे बने एक बार्ज बार में गाना गाता है। एक्चुअली यह बार उसके पिता का ही है जिसे उसकी माँ के द्वारा 40 के दशकों में स्टार्ट किया गया था, पर आज इस बार की आर्थिक स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तभी वहाँ रिचर्ड नाम का यह व्यक्ति आता है। इधर बैंड का परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रिचर्ड नाम का यही इंसान जब बाहर आता है तो उसे एक बहुत ही ज्यादा सुरीली आवाज सुनाई पड़ती है, और वो उस धुंध की ओर आकर्षित होकर धीरे धीरे पानी में जाने लगता है और फिर डूब जाता है। इधर गैस्पर्ड के पिता उसे कहते हैं कि उन्हें शायद यह रेस्टोरेंट बेच देना चाहिए, पर गैस्पर्ड इस पर मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ उसकी माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी है। यहाँ से गैस्पर्ड जब बाहर निकलता है तो उसे भी वो अजीब सी धुन सुनाई पड़ती है, पर गैस्पर्ड इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने घर आ जाता है। यहाँ हमें गैस्पर्ड की पड़ोसी रोजी को दिखाया जाता है जो शायद पहले उसी की माँ के साथ बार में काम करती थी, और वो भी चाहती है कि गैस्पर्ड अपनी लाइफ को एंजॉय करे क्योंकि वो बहुत अकेला और उदास जिंदगी बिता रहा है और ज्यादातर वक्त अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी ड्रीमर्स नाम की इस किताब में ही खोया रहता है। पर ऐसा क्यों है ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। इधर दूसरे दिन गैस्पर्ड जब बार्ज बार में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने पार्टनरशिप में यह बार्ज रेस्टोरेंट किसी को बेच दिया है। इस बात पर गैस्पर्ड और उसके पिता की बहस हो जाती है और गैस्पर्ड वहाँ से निकल जाता है। वो जब बाहर आता है तो उसे पुलिये के पास एक जलपरी बेहोश नजर आती है। पहले तो उसे भी लगता है कि यह कोई नॉर्मल लड़की है जो जलपरी के गेटअप में है, पर बाद में उसे समझ आ जाता है कि यह सच में जलपरी ही है। वो किसी तरह एक ऑटो वाले से एक ऑटो को किराए पर लेकर वहाँ से उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। इधर हमें दो डॉक्टर, डॉक्टर विक्टर और डॉक्टर मिलन को दिखाया जाता है जो कि कपल्स है, और डॉक्टर मिलन माँ बनने वाली है। तभी डॉक्टर मिलन किसी इमरजेंसी के कारण वापस हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। तभी गैस्पर्ड वहाँ आता है और ऑटो को वहीं रोककर अंदर हॉस्पिटल में पूछताछ करने जाता है। इधर जब डॉक्टर विक्टर की नज़र उस जलपरी पर पड़ती है तो वो उसके पास जाकर उसकी जांच करने की कोशिश करता है, पर तभी जलपरी को होश आ जाता है और वो वही सुरीली धुन गाने लगती है जिससे कि अचानक डॉक्टर विक्टर जलपरी की ओर आकर्षित होने लगता है और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। इधर गैस्पर्ड काउंटर पर अपनी मेडिकल पॉलिसी खोजते वक्त अपनी डायरी वहीं भूल जाता है। चूंकि गैस्पर्ड के पास मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड नहीं होता है इसलिए हॉस्पिटल वाले उसे मना कर देते हैं। इधर गैस्पर्ड अंत में जलपरी को लेकर वहाँ से चला जाता है, पर वहाँ जलपरी का कुछ नीला खून और पेन के प्लेट्स गिर जाते हैं। इधर डॉक्टर विक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो बार बार वही धुन गुनगुना रहा होता है, और अंत में डॉक्टर विक्टर की दिल की धड़कने बहुत तेज धड़कने लगती है और बाद में अंदर ही अंदर एक्सप्लोड हो जाती है जिससे कि डॉक्टर विक्टर की मौत हो जाती है। इधर गैस्पर्ड जलपरी को लेकर अपने घर आ जाता है जिसे उसकी पड़ोसी रोजी देख लेती है। अंदर आकर गैस्पर्ड उसे बाथरूम टब में डाल देता है, पर तभी जलपरी को होश आ जाता है और वो फिर से वही धुन गाने लगती है। पर इस बार जलपरी यह देखकर हैरान हो जाती है कि गैस्पर्ड पर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है, इवन वो भी जलपरी की ही तरह वो धुन गुनगुना रहा होता है। गैस्पर्ड अब उसके चोटों का इलाज करता है और उसे खाना भी खिलाता है। जलपरी उसे अपना नाम लूला बताती है और ये भी बताती है कि अगर वो दो दिन में पानी में वापस नहीं गई तो वो मर जाएगी। इस पर गैस्पर्ड उसे बोलता है कि शायद समुद्र में आने वाले बड़ी लहरों के कारण वो बाहर आ गई होगी और इसी दौरान उसके फिन में चोट भी लग गई होगी, इसलिए वो दो दिन में उसका इलाज करके उसे वापस पानी में छोड़ आएगा। इस पर लूला
उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी धुन सुनकर मरा ना हो। गैस्पर्ड पहला इंसान है जो उसकी धुन सुनने के बाद भी जिंदा है। लूला उसे बताती है कि यह दरअसल उसका बचाव का तरीका है। उसके गाने से हर वो इंसान जिसके दिल में प्यार होगा वो मारा जाएगा। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगेगी और अंत में उसकी धड़कनें धड़कना बंद कर देगी। इस पर गैस्पर्ड लूला को बताता है कि कुछ साल पहले उसे भी किसी से प्यार था, पर अब जब से वो लड़की उसकी जिंदगी से गई है गैस्पर्ड अकेला है और प्यार के नाम से उसे नफरत सी हो गई है। इधर डॉक्टर मेलन को पता चलता है कि डॉक्टर विक्टर की बॉडी में नाइट्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस गैस का प्रकार कुछ कुछ समुद्र के अंदर पाए जाने वाले गैस जैसा ही है। इधर जब डॉक्टर मेलन हॉस्पिटल के लोगों से पूछताछ कर रही होती है तभी उसे रिसेप्शन में गैस्पर्ड की डायरी और बाहर सड़क से जलपरी के खून का सैंपल मिलता है जो उस रात गिर गया था। इधर गैस्पर्ड जलपरी को घर में ही चुपचाप रहने बोलकर अपने उस खोई डायरी को लेने हॉस्पिटल जाता है। दूसरी तरफ गैस्पर्ड की पड़ोसी रोजी उसके घर की चाबी लेकर गैस्पर्ड के कमरे में दाखिल होती है और लूला से मिलती है। यहाँ रोजी लूला को गैस्पर्ड की माँ और गैस्पर्ड की सारी दुख भरी कहानी बताती है कि कैसे कम उम्र में ही उसकी माँ गुजर चुकी होती है। इसके अलावा रोजी यह भी बताती है कि गैस्पर्ड ने प्यार में धोखा कैसे खाया था। यह सब सुनकर लूला को गैस्पर्ड से लगाव महसूस होने लगता है क्योंकि उसने भी बचपन में अपनी माँ को खोया था। इधर बातों बातों में रोजी अपना सिगरेट बॉक्स और लाइटर वहीं छोड़ देती है। इधर गैस्पर्ड को हॉस्पिटल में वो डायरी नहीं मिलती जिससे कि गैस्पर्ड निराश होकर अपने पिता के पास चला जाता है। इधर लूला रोजी के सिगरेट से गैस्पर्ड के घर में गलती से आग लगा देती है। गैस्पर्ड को खबर मिलते ही वो घर की तरफ आता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि आग की लपटों के डर से लूला गाने लगती है जिसे एक फायर फाइटर सुन लेता है और बाद में वो भी मारा जाता है। इधर लूला किसी तरह दूसरे रूम में जाकर अपनी जान बचाती है। गैस्पर्ड लूला को उसकी पड़ोसी के यहाँ रख देता है। इधर डॉक्टर मिलेन जब उस ब्लड सैंपल की जांच करवाती है तो उन्हें पता चलता है कि यह सैंपल किसी दूसरी ही प्रजाति का है जिसे शायद आज तक खोजा नहीं गया है। इधर गैस्पर्ड को लूला को लेकर चिंता होने लगती है जिससे कि उसे भी हार्ट में पेन महसूस होने लगता है। लूला समझ जाती है कि गैस्पर्ड को भी अब प्यार होने लगा है और अगर उसे प्यार हो गया तो वो भी औरों की तरह मारा जाएगा, पर गैस्पर्ड प्यार होने वाली बात को मानने से इनकार कर देता है। गैस्पर्ड बोलता है कि जब भी प्यार होगा समझ आ जाएगा क्योंकि उस वक्त दिल में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी चीज ने डंक मारा हो। तो यहाँ लूला को यही समझ आता है कि जब भी दिल में डंक लगने जैसा एहसास हो तो यही प्यार है। पर लूला यह जानती थी कि गैस्पर्ड अपने आप को प्यार होने से नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके गैस्पर्ड से दूर जाना चाहती है। पर इधर गैस्पर्ड को भी लूला के साथ टाइम बिताने में अच्छा लगने लगता है। गैस्पर्ड बोलता है कि वो एक शाम लूला को डेडिकेट करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि हम इंसान कैसे लाइफ एंजॉय करते हैं। लूला और गैस्पर्ड रेडी होकर उसके पिता के रेस्टोरेंट जाते हैं। इधर उस डायरी के आधार पर डॉक्टर मिलेन भी वहां पहुंच जाती है। इधर गैस्पर्ड सबको यही बताता है कि लूला पैरों से विकलांग है और उसे जलपरियों से लगाव है, इसलिए ऐसी अजीब सी पोशाक पहनी है। यहां उसके पिता गैस्पर्ड को फिर से किसी लड़की के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। यहां लूला गैस्पर्ड को बताती है कि वो अपनी तरह की आखिरी है। उसकी माँ को सेलर के ग्रुप ने मार डाला था। बड़े होने पर उन्हें इस तरह गाकर अपने बचाव की ताकत मिलती है और वो पलक झपकते ही किसी भी भाषा को सीख भी सकते हैं। इस पर गैस्पर्ड उसे अपने घर वापस ले जाता है और उसे अपनी माँ के ही तरह किए जाने वाले एक्ट करके दिखाता है। लूला को समझ आने लगता है कि गैस्पर्ड अब पूरी तरह से उसके प्यार में है, पर जैसे ही उसे इस बात का एहसास होगा वो मारा जाएगा। वो गैस्पर्ड को बाहर से खाना लाने के लिए बोलती है ताकि गैस्पर्ड वहाँ से चला जाए। गैस्पर्ड जब खाना लाने के लिए बाहर जाता है तभी लूला रोजी को बुलाकर उसे वहाँ से ले जाकर समंदर में छोड़ देने को बोलती है क्योंकि ऐसा न करने पर गैस्पर्ड की जान जाने का खतरा है। ऐसा कहकर वो रोने लगती है जिससे कि उसकी आंखों से आंसू की जगह मोतियां बाहर आने लगती है। इधर जब गैस्पर्ड वापस घर आता है तो वहाँ डॉक्टर मिलेन को देखकर लूला को खोजने लगता है और लूला को लेकर यही बेचैनी गैस्पर्ड के दिल में लूला के लिए प्यार को बढ़ाने लगती है और गैस्पर्ड को भी दिल का दौरा पड़ जाता है। डॉक्टर मिलेन उन सबको अपने रिसर्च रूम में ले जाती है और वहाँ पर लूला पर एक्सपेरिमेंट करने लगती है, पर उसका साथी इस बात का विरोध करता है। वो बोलता है कि ये अपने आप में अनोखी है, इसे मारना नहीं चाहिए। इस बात पर डॉक्टर मिलेन और उसके साथी में बहस हो जाती है। इधर रोजी वहाँ आकर किसी तरह धोखे से डॉक्टर मिलेन को इमरजेंसी वार्ड में भेज देती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। चूंकि दो दिन पूरे होने ही वाले होते हैं तो लूला की भी हालत खराब होने लगती है और गैस्पर्ड को भी लूला का हमेशा के लिए खो देने का गम उसके दिल में लूला के लिए प्यार को बढ़ाने लगता है जिससे कि गैस्पर्ड भी बीमार होने लगता है। रास्ते में लूला गैस्पर्ड को बोलती है
कि पता नहीं क्यों पर उसे दिल में डंक लग रहा है। और अगर उसे पता होता कि गैस्पर्ट इतना अच्छा इंसान है तो वो कभी गैस्पर्ट के सामने वो गाना नहीं गाती। गैस्पर्ट और लूला दोनों ही अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इधर गैस्पर्ट किसी तरह लूला को समंदर में पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, पर लूला के प्रति अपने प्यार को वो रोक नहीं पाता। लूला के वहां से जाते ही गैस्पर्ट को दिल का दौरा पड़ता है, पर तभी डॉक्टर मिलेन जो उनका पीछा कर रही होती है वो भी वहां पहुंच जाती है और गैस्पर्ट में उसे डॉक्टर विक्टर नजर आता है और वो गैस्पर्ट को बचा लेती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि रिसर्च टीम उन मोतियों को भी गैस्पर्ट को वापस कर देते हैं, जिसे बेचकर गैस्पर्ट एक बार्ज खरीदता है और जलपरी की खोज में निकल पड़ता है बिना अपने अंजाम की परवाह किए हुए। और यह एक प्यारी सी लव स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है, जहां एक तरफ जलपरी को भी प्यार होते हुए गैस्पर्ट को जिंदा रखने की चाह में उसे छोड़कर चले जाना पड़ता है, और वहीं दोबारा गैस्पर्ट वापस से अपने अंजाम की परवाह किए बिना लूला की खोज में निकल पड़ता है। फिल्म की IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। इस फिल्म को 2020 में फ्रांस में रिलीज किया गया था और फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर इसे और भी कई सारी कंट्रीज में 18 जून को रिलीज किया गया। तो आप हमें बताइए कि आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी। इस फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जो आपको हंसाते भी हैं, आपको रुलाते भी हैं और फिल्म की कहानी आपके दिल को छू लेती है। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। चूंकि ये फिल्म फ्रेंच में है तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी परेशानी आए, पर आपको कुछ वेबसाइट्स पे ये फिल्म अनऑफिशियल डब में मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाएं। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।